कुछ अपनी किस्मत लेकर पैदा होते हैं और कुछ अपनी किस्मत लिखना खुद जानते हैं। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है MP09 की स्पेशल स्टोरी में जो अपनी किस्मत को खुद लिखना जानते हैं। उन्होंने रनिंग एज अ प्रोफेशन चूज तो कर लिया है, आगे वो क्या कुछ कर रहे हैं हम इन सब के बारे में जानेंगे, लेकिन उनके बारे में एक खास बात यह है कि वो अद्भुत हैं, अविश्वसनीय हैं और अकल्पनीय हैं, क्योंकि 48 घंटे में 277 किलोमीटर की रन करना कोई मामूली बात तो नहीं। इसलिए इस खुदा के बंदे को और इस इनायत के बंदे के साथ हम मिलेंगे और वो है कार्तिक जोशी। वेलकम कार्तिक जोशी। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा, आप कैसे हैं? हम वॉकिंग करेंगे और हम फिर बात करेंगे। एक स्टार्टिंग होती है रनिंग की जो आपने की है, कभी बहुत कम लोग होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की अगर बात की जाए तो स्पोर्ट्स में लोग क्रिकेट चूज करते हैं, टेनिस चूज करते हैं, लेकिन आपने रनिंग चूज किया है अपना करियर एज अ प्रोफेशन, तो क्या कुछ स्टोरी रही है, टर्निंग पॉइंट रहा होगा शायद लाइफ का वो? हमारी एक शॉप थी रामवली नगर में, चाय के रेस्टोरेंट, तो हम चलाते भी थे और वहीं रहते भी थे। आफ्टर दैट मैं वहाँ से जब स्कूल जाता था रेगुलर, तो पास में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, तो उसको मैं रोज देखता था कि वहाँ पे पुलिस के कैडेट कितने अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? वो इतने अच्छे से भाग रहे हैं और मैं सिर्फ एक सिंपल लाइफ जो सब होता है सारे स्टूडेंट्स की, पढ़ाई, पढ़ना, घर आना और वापस, सारी चीज़ें। तो एक दिन मैंने सोचा मैं भी रनिंग करके ट्राई करता हूँ, क्या मैं रनिंग कर सकता हूँ। आफ्टर दैट 5-7 दिन सोचने के बाद समझ में आया कि हाँ, मेरे को रनिंग करना चाहिए एक बार। तो समय से तीन चीज़ पता चली कि रनिंग के लिए शॉर्ट, शूज़ एंड टी शर्ट की जरूरत होती है। तो मैं बस रनिंग करने गया, 500 मीटर लगभग मैं दौड़ा होगा, उसके बाद मैं रुक गया। आफ्टर दैट समझ में आया रनिंग हर किसी के लिए नहीं। ओके। फिर एक घंटे उस ग्राउंड पर बैठ के मैंने देखा कि कोई क्या कर रहा है, भाग तो नहीं पा रहा हूँ, तो देख तो सकता हूँ। एक घंटे के बाद समझ में आया जो धीरे दौड़ रहा था वो बहुत लंबे समय तक दौड़ रहा था, जो स्टैमिना ज्यादा देर तक रहता है उसका, वो एक फ्लो बन जाता है ना। हाँ। आपके हार्ट बीट ऊपर या नीचे नहीं होती एकदम, तो हाई इंटेंशन लेवल पे नहीं जाएगा ना डाउन होगा, और जो फास्ट दौड़ा था थोड़ा सा भाग के रुक जाता था। तो पहले दिन मैंने अपना डिस्टेंस 13 किलोमीटर रन किया, उसके बाद से मैंने 1.5 साल तक प्रैक्टिस की। आज मेरा सेकंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है 39 आवर्स में 262 किलोमीटर एंड 41 आवर्स में मेरा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस देखे या टाइमिंग के साथ भी देखे तो 41 आवर्स में 277 किलोमीटर नॉन स्टॉप एंड स्लीपलेस। आपको इंदौरी मिल्खा बोलते हैं कार्तिक, जहाँ तक मुझे आइडिया है। अब आपको कंट्री टू भी मैंने बोला है कि कंट्री के आप मिल्खा सिंह, तो आपको मिल्खा सिंह के नाम से पहचान मिलती है तो अच्छा लगता है या लगता है कि यार अपनी पहचान होनी चाहिए? मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि जो खुद कर रहे हैं तो वो खुद के लिए खुद इंस्पिरेशन होना चाहिए। हाँ। कि मतलब जो मैंने स्टार्ट किया है वो मैं खुद ही खत्म करूँगा ना, तो या तो पूरी चीज़ें मेरे नाम से होनी चाहिए, खुद का ही नेम बनना चाहिए। अब मैं जो करता हूँ वो एक डिफरेंट चीज़ है, मिल्खा सिंह सर जो करते थे वो एक बहुत डिफरेंट। आप अपने आपको टारगेट्स देते हो, मतलब आज इतना दौड़ लिया, कल इतना दौड़ूंगा? मेरे टारगेट डिस्टेंस से नहीं होते, वो टाइमिंग और स्पीड से होता है। हाँ। जैसे कि मैं जब राला मंडल में प्रैक्टिस करता हूँ, एक बार ऊपर से नीचे जाने में मेरे को अगर ऊपर जाने में 8.5 से 9 मिनट लगते हैं, तो मैं नेक्स्ट लूप को थोड़ा फास्ट रन करने का डिसाइड करता हूँ। ओके। जब तक वो थोड़ा फास्ट नहीं होता जब तक मैं उस वहाँ से घर नहीं आता हूँ। मैंने मतलब लास्ट 2 साल पहले की बात बताता हूँ, जब कोविड का स्टार्ट ही हुआ था तो मैं सुबह गया था, मैंने 8:32 में एक लूप रन किया था फास्टेस्ट, मेरा जो स्टार्टिंग लूप था 22 लैप्स के बाद मेरा सेकंड फास्टेस्ट आया था 31 सेकंड्स में, तब मैं घर आया, मतलब सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे के बाद घर आया। इतनी ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट लेवल होता है कि अगर आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो खुद को पनिश करो कि नेक्स्ट टाइम आपको डर बना रहे कि हाँ मैं और अच्छा कर पाऊँगा। ओके। अब ये तो हो गए आपकी प्रैक्टिस की बात, मतलब आपने जब शुरू किया होगा तो हार्ड एसिटी बहुत आई होंगी, और मैंने सुना है आपके पास कोच नहीं है। मैं लास्ट 5 ईयर से खुद ही ट्रेन कर रहा हूँ। हाँ, तो भाई क्योंकि देखिए कोच होना ज़रूरी है, वो स्टेमिना बताता है, क्या खाना है वो बताता है, कैसे चलना है वो बताता है, आपके मसल मूवमेंट्स आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते, कोच को होना चाहिए। तो आपने कोच क्यों नहीं लिया? कुछ क्या होता है सभी चीज़ों के लिए हमारी खुद की भी थ्योरी होना चाहिए जो दुनिया से अलग हो। जैसे मैं जो मैं सोचता हूँ कि कोच मुझे उस तरीके से एनालाइज नहीं करता जिस तरीके से मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं उसको बताऊंगा कि मुझे इस मसल, इस कार्डिक मसल्स पे पेन है, तो वो सिर्फ वो उनके एज अ एक्सपीरियंस समझ पाएंगे कि यहाँ पे पेन है। हाँ। ये इतना होगा, बट एक्चुअल में क्या है वो मैं जानता हूँ। हाँ। अगर कोच मुझे बोलता है कि आपको 30 किलोमीटर आज के दिन रन करना और मैं उस दिन कैपेबल हूँ कि मैं 50 किलोमीटर कर सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ। ओके, तो आप अपनी थ्योरी खुद ही बनाते हैं कि मुझे इतना रन करना है तो मैं इतना रन करूंगा, नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा। नहीं, नहीं करना तो चांस ही नहीं है। तो नहीं है ही नहीं डिक्शनरी में, बिल्कुल ही नहीं, किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। जैसे क्या होता है, मैं हर दिन 30-40 किलोमीटर के बीच का डिफरेंस रन करता हूँ, डिस्टेंस इतना रन करना था। मंथली माइलेज 1100 किलोमीटर, देन उसके बाद स्विमिंग, जिमिंग, साइकिलिंग, योगा, मतलब ये जर्नी सुबह 3 बजे से स्टार्ट होती है और रात को 10 बजे तक कंटिन्यू चलना, देन उसके बाद रेस्ट, स्टडी,
मैं लास्ट 5 ईयर्स से सिर्फ बायो ही स्टडी कर रहा हूँ okay. अपनी रनिंग को एनालाइज करता हूँ. अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैंने जस्ट 12th पास आउट किया है. How much percentage? How much percentage? 68. रेगिस्तान की गर्मी से लेकर उत्तराखंड की बर्फबारी तक दौड़े हैं, इतना लंबा आपका रिकॉर्ड रहा है. साथ ही साथ आपने 19 राज्यों की सरजमी के अपने पैर की छाप छोड़ी है. इतना सब कुछ करना, ये ट्रैवल कैसे अफोर्ड कर पाते हो? मतलब आपको हो सकता है ट्रैवल में इंटरेस्ट हो, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बट इतना सब कुछ कैसे अफोर्ड कर पाते हो? क्योंकि उसके लिए आपको इक्विपमेंट्स भी चाहिए, आपको ट्रैवलिंग के लिए पैसा भी चाहिए, ये सब कैसे होता है? मैम सबसे बड़ी बात ये सारी रनिंग मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मुझे सिर्फ 3 ही चीज़ें पता थी कि रनिंग के लिए शॉर्ट टी शर्ट एंड शूज़ की ज़रूरत होती है. जब हम इसे प्रोफेशनल लेवल पर टर्न कर जाते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअल में रनिंग बहुत एक्सपेंसिव. बिल्कुल. मतलब आपको रन करना है तो आपके पास महंगे से महंगे शूज़ होना चाहिए. जैसे आज जो न्यू जनरेशन शूज़ हैं वो मतलब एक्चुअल 23,000 से स्टार्ट होते हैं. ओके. देन आपका मंथली न्यूट्रिशन कॉस्ट 15,000 समथिंग होता है. देन अब अगर आपको किसी रन के लिए प्रिपेयर करना है तो वो कॉस्ट. अब ट्रैवल और ये सब सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से अरेंज हो पाती है क्योंकि पापा हमारी चाय के रेस्टोरेंट था वो थोड़े समय पहले ड्यू टू कोविड बंद हो गया. देन उसके बाद पापा को मेजर हार्ट अटैक आया तो उनका वर्किंग मॉड्यूल और कम हो गया. मतलब जो पहले कर सकते थे वो भी कम हो गया. भारी वर्किंग काम नहीं हो सकता था तो अब सब. उसके बाद मुझे पाथ इंडिया लिमिटेड स्पॉन्सर करने लगी जो इवेंट्स में मैं जाता हूँ उन सब के लिए. देन अभी उसके बाद अलायंस वैकेंट वर्षा मैम है वो मुझे सपोर्ट करते हैं. तो आपका ये आपको ट्रैवल में इंटरेस्ट है? मुझे ट्रैवल में बहुत इंटरेस्ट है. मैं सभी को बोलता हूँ मैंने लोकल ट्रेन की वॉशरूम में बैठ ने से लेके फर्स्ट क्लास एसी तक में ट्रैवल किया है. और अभी तक करीबन 400 ट्रेन्स में बैठ चुका हूँ मैं. अच्छा. और सारे एरिया ईस्ट वेस्ट और साउथ सभी जगह में अभी तक ट्रैवल कर चुका. सबसे फेवरेट प्लेस? सबसे कोलकाता. कोलकाता में आप गए हैं? हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है. स्ट्रीट्स है ना वो बहुत यूनिक है. अच्छा. पूरे ऑल ओवर इंडिया से यूनिक है. ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक रेड है, ब्लैक येलो है. वहाँ पर ट्रम भी चलती है वो. हाँ. पुराने जमाने की सारी चीजें देखने के लिए मिलती है. okay. और यहाँ पर क्या है ना बाकी जगह पे सब मॉडर्न आज के तरीके से चेंज हो चुका है. वहाँ पे जो नई चीज है वो नई भी है और पुरानी भी है. पुरानी सभ्यताएं हम बहुत आसानी से देख पा रहे हैं वहाँ पे. और बाकी इंदौर जैसा कुछ है ही नहीं. अच्छा. कहते हैं कि आप रनिंग करते हैं तो शूज़ सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, और मैंने सुना है कि आपके पास 50 जोड़ी जूते हैं जो अभी प्रेजेंट है वो फट चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके पास बाकायदा वो शोकेस में रखे हुए हैं. तो ये शूज़ रखना, क्योंकि किसी के शूज़ ख़राब होते हैं वो फेंक देता है, आपने शूज़ क्यों संभाल के रखे हैं? मेडल्स का तो मानती हूँ कि दीवारों पर लटकाने के लिए एक शोभा होती है, शूज़ क्यों? मैम क्या होता है शूज़ सिर्फ वो चीज़ है जो मुझे हर वक्त याद दिलाएगी कि मैंने इस शूज़ से इतनी प्रैक्टिस की थी. हाँ. क्योंकि उसने मुझे इतना सपोर्ट किया है तो मैं उसको कैसे अपनी ज़िंदगी से अलग करता हूँ. वो एक मतलब इंस्पिरेशन पॉइंट भी है मेरे लिए कि मतलब मेरी पूरे 85,000 किलोमीटर की जर्नी में इन सब ने इतना सपोर्ट किया. okay. और वो कभी भी आते हैं ना वो बड़ी मतलब इतना अच्छा लगता है उसे देख कर कि हाँ अब मुझे कल और कुछ करना है. ओके. मेडल सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेरित करता है? मतलब इतने सारे मेडल्स हैं बट उसमें कोई होगा ना जिसको देख के लगता होगा यार ये मैंने ले लिया मुझे अभी सुकून है. मतलब सुकून तो कभी नहीं होता लाइफ में जब तक हमारा गोल प्रॉपर अचीव ना हो जाए, पर उस मेडल के कारण आपको लगता है हाँ मैंने कुछ किया है अपने. मैं सोचता हूँ सेटिस्फेक्शन वर्ड जब लाइफ में आ जाता है ना तब कुछ नया करने की चाहत ही खत्म हो जाती है. ओके. सो दैट कि मैं क्या करता हूँ कि जब मैं कोई भी इवेंट जीतता हूँ उसके 24 घंटे के अंदर उसकी विक्ट्री भूल जाता हूँ. ओके. बस उसका एक्सपीरियंस साथ रखता हूँ. हाँ. तो मेरा अभी तक का फेवरेट मेडल रहा है इंडियाज बैकयार्ड अल्ट्रा. मतलब इनफैक्ट जो 41 आवर्स तक नॉन स्टॉप स्लिपलेस रन किया और पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक ही मेडल पूरी कंट्री में सिर्फ एक रनर को मिलता है तो थोड़ा सा यूनिक है मेरे लिए कि हाँ वो ही अलग है. आपके पापा भी मेरे साथ प्रेजेंट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और आपने जितनी स्टोरी बताई है हम उनसे भी जानेंगे. मेरे साथ इंदौरी मिल्खा के फादर प्रेजेंट हैं और वही हमें स्टोरी बताएंगे, क्योंकि कार्तिक के मुँह से तो सबने स्टोरी सुनी है कि इतना पापा ने सपोर्ट किया है, पर सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट ये होता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है. तो मेरे साथ कार्तिक के पापा मौजूद है. सर आपने कितना सपोर्ट किया है? क्योंकि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो जो भी मिडिल से भी नीचे हो और फिर उस टाइम ये लगता है कि बेटे की एक अच्छी जॉब लग जाए, एक सहारा हो जाए मेरा, बट आपने एक ऐसे प्रोफेशन में उसको जाने दिया जहाँ पर पैसे का हो सकता है कभी मिले कभी ना मिले, आपका क्या कुछ रोल रहा है कार्तिक की सक्सेस में? मैडम सबसे पहले तो ये है कि जब भी उसने रनिंग स्टार्ट की साल भर तक मैं इसे देखते रहा. इसके बाद शूज भी नहीं होते थे. शूज़ के लिए ये मुझसे बोला कि मुझे शूज़ चाहिए तो मैंने करीबन 30 दिन में इसके लिए 1200 रुपये इकट्ठे करे और इसको शूज़ दिलाए. शूज़ दिलाने के बाद
इसकी रनिंग में मतलब एक नई उड़ान आई, इसे इसे पंख मिल गया हो। अच्छा, ये ट्रैक पे दौड़ता है और हम घर पे इसके लिए दौड़ते हैं। 17 घंटे हम लोग 10x10 की दुकान चलाते थे, दिन भर उससे जो आमदनी होती थी उससे हम 5 जनों का परिवार चलता था और उसी में हम रात को सो जाते थे उसी दुकान में। उसी दुकान से इसने देश के करीबन 19 राज्यों में 115 से अधिक में स्पर्धाएँ दौड़ी है। इसकी वजह से इसका 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ है। अभी आने वाले अगस्त में ये साउथ अफ्रीका कॉम्बैट रन्स के लिए जाने वाला है और अक्टूबर में ये नेशनल चैंपियनशिप के लिए जाएगा। अगर वहाँ जीतता है तो ये अमेरिका में जाएगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। कंग्रेचुलेशंस कार्तिक। और जुलाई में इसका एशियन चैंपियनशिप है, वहाँ 24 घंटे इसको स्टेडियम रन दौड़ना है। ओके। तो कार्तिक के नाम अभी एक नेशनल रिकॉर्ड है जो 41 घंटे में 270 किलोमीटर इसने दौड़ा है। प्लस ऐसा अभी सुनने में आया, इसको अप्रूवल तो नहीं मिला है, पर ऐसा सुनने में सबसे कम एज में इसने 270 किलोमीटर दौड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। एक पापा है और एक बेटा है, कैसा फील करते हैं अपने बेटे के लिए? यार मेरा हर दिन नाम रोशन हो रहा है, हर दिन मेरा पेपर में नाम आ रहा है। मतलब मैं एक चाय की टपरी चलाता था लेकिन मेरा बेटा आज जिस मुकाम पर है वो मुझे बहुत खुशी देता है। वो आप क्या फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे कार्तिक? मैडम मैं चाय की जो थड़ी होती है जो चाय बनाता हूँ उसमें भी मैं कार्तिक को ही देखता हूँ। अच्छा, कि उसके सपने आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, उसके सपने पूरे हो, उसके लिए मैं जो चाय बनाता हूँ उसमें स्वाद भी बढ़े और मेरी ज़्यादा सेल हो ताकि मैं कार्तिक के लिए अधिक से अधिक सुविधाएँ जुटा सकूँ। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो इस एपिसोड में कार्तिक जोशी से मैं मिली और ये एक रनर हैं, गौरी मिल्खा इनका नाम है। आज जो लेसन मैं लेके जा रही हूँ वो मैंने लिख लिया है एक्चुअली, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। अगर ठानी है जिद मंजिल तक जाने की तो फिर कर मेहनत उस लक्ष्य को पाने की, अब देरी है तो परिश्रम को आग में तपाने की, तो कोशिश तो कर, क्या जरूरत है पहले से हार मान जाने की। ये मैंने आज सीखा है, कल मैंने कुछ और सीखा था, आज फिर एक नई चीज सीख के जा रही हूँ। Till then, this is Princy Jain, signing off. Take care.